हेलो फ्रेंड्स, दिस साइज सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम जानेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो एंटी मलेरियल ड्रग्स आते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया जो कि बी फार्म सिलेबस में है हमारे। तो इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया क्या होता है इससे हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया इन एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया होता क्या है। तो मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। क्या मॉस्किटो जो है हमारे अंडर डालता है, तो एक प्रोटिस्ट डालता है जो कि एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनस है प्लाज्मोडियम, ठीक। कहाँ से स्टार्ट होता है, फीमेल मॉस्किटो जब हमारी बॉडी को काटती है तो जो प्रोटिस्ट है वो सलाइवा के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। प्रोटिस्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके सलाइवा के थ्रू जो है हमारी उनमें जो एंटर कर जाता है, सबसे पहले सीधे जाता है और लीवर में जाता है, लीवर पर अटैक करता है कह सकते हैं, लीवर पर जाता है, वहां मैच्योर होता है, बड़ा होता है और रिप्रोड्यूस होता है, ठीक। क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो फीवर, हेडेक होता है, ठीक है। अगर ज्यादा सीरियस हो तो कोमा डेथ भी हो सकता है। मलेरिया जो है वो वाइडली स्प्रेड है इक्वेटर के आजू बाजू, सब ट्रॉपिकल रीजन में, अफ्रीका में, एशिया में और अमेरिका में। कॉज ऑफ मलेरिया क्या है यहाँ पर, तो ह्यूमन में जो है प्लाज्मोडियम जीनस चार स्पीशीज है जो कि ह्यूमन में ये डिजीज कॉज कर सकती है। सबसे पहला प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, दूसरा प्लाज्मोडियम वाल्वैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोवेल्स्की। टोटल पांच इसमें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे जो है वो ह्यूमन बॉडी में मलेरिया कॉज कर सकते हैं, ठीक। आगे है एपिडेमियोलॉजी में बताए कौन से सप्टेप्टेबल स्पीशीज है, तो अबाउट 65 प्लाज्मोडियम स्पीशीज है जिसमें से 100 जो है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो है वो है। एंड फ्यू ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैज बीन आइडेंटिफाइड अपीयर्स टू बी नेचुरल पैरासाइट ऑफ डोमेस्टिक पोल्ट्री। कुछ तो नेचुरल पैरासाइट है डोमेस्टिक पोल्ट्री की कुछ प्लाज्मोडियम स्पीशीज, बट जो बाकी बची हुई है वो ज्यादातर पैसराइन बर्ड्स में मिलती है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ट्रांसपोर्ट हो सकती है उनके डोमेस्टिक फाउल से, ठीक। आगे कौन से सप्टेबल होस्ट है, तो प्लाज्मोडियम पैथोजेनिक, कैन बी पैथोजेनिक, हो सकता है पैथोजेनिक, और वो पेंगुइन, डोमेस्टिक पाउट्री, डक्स, कैनरी, फाल्कन, पिजन्स सब में है, बट सबसे ज्यादा कॉमन सप्टेबल स्पीशीज मैंने आपको बता दी पैसेराइन बर्ड है जिसमें वो एसिम्प्टोमेटिकली रहता है। एसिम्प्टोमेटिकली का मतलब है कि कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है बट उसकी बॉडी में रहता है। ह्यूमन रेप्टाइल्स एंड अदर मैमल्स एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स इसमें भी जो है बहुत अच्छे सप्टेबल ये लोग होते हैं। अगर प्लाज्मोडियम स्पीशीज से एक बार उसमें चली जाए तो आराम से उसमें लॉन्ग लास्टिंग तक उस होस्ट में रहती है, ठीक। एज क्या है, सप्टेबल एज जो है वो मोस्टली 65% जो है वो चिल्ड्रंस में होता है। 15 ईयर ओल्ड जो चिल्ड्रन से है मतलब 15 ईयर ओल्ड तक के जो बच्चे उनमें होता है, 15 ईयर के ऊपर कम देखा जाता है। सब्सेप्टेबल सेक्स जो है मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं, और अभी 125 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन जो है अभी भी रिस्क पर है इन्फेक्शन के मलेरिया के एवरी ईयर पर, ईच ईयर में, ठीक। कितने टाइप्स ऑफ मलेरिया होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ मलेरिया हो सकते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा सीरियस फॉर्म है, ये डेथ भी कॉज कर सकता है, बट करेंटली रिपोर्ट हुआ है कि ये वाला फॉर्म जो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम वो इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से। अब बात करते हैं अपन सेकेंड फॉर्म की, प्लाज्मोडियम वाल्वैक्स की, जो कि माइग्रेंट फॉर्म है, डेथ नहीं है, फेटल नहीं है, बट अगर कोई एनिमल से इन्फेक्ट होता है और वो अनट्रीटेबल होता है तो होस्ट में जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। मोस्टली जो है 60% इंडिया के जो इन्फेक्शन है वो इसी वाले मलेरियल पैरासाइट से होते हैं, प्लाज्मोडियम वाल्वैक्स के थ्रू ही होते हैं। ये बॉडी में जो है लीवर में रह सकता है, बहुत सालों तक रह सकता है और कोई भी सिम्टम जो है वो शो नहीं करता है। अगर
पेशेंट अनट्रीटेड रह जाता है तो बार बार जो है मलेरिया आने की उसको चांसेस होती हैं। आगे बात करते हैं अपन प्लास्मोडियम मलेरिया के बारे में, जो कि माइल्ड फॉर्म है और यदि एनिमल की बॉडी में रहता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है होस्ट में। साथ ही साथ में ये पैरासाइट भी जो है वो ब्लड में रहता है बहुत सारे डिकेट्स तक के, मतलब जल्दी से इरेडिकेट नहीं होता है बॉडी से और बार बार मलेरिया कॉज कर सकता है। अब प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बट अगर एनिमल में रह जाता है अनट्रीटेड रह जाता है तो होस्ट में हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके पैरासाइट लीवर में जो है बॉडी में लीवर में रहते हैं, कोई सिकनेस या कोई सिम्टम नहीं शो करते हैं, बट अगर अनट्रीटेड रह जाता है तो बार बार आपको मलेरिया कॉज कर सकता है। ठीक, नवस्की जो है ज़्यादातर मैकेक्वीज में पाई जाती है बट ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकती होप आपको इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। चैनल नेम इज फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।